सुपरहिट फिल्म बजरंगी भाईजान का चांद नवाब वाला किरदार आपको याद होगा। इस किरदार को नवाजुद्दीन सिद्दीकी ने निभाया था। चांद नवाब की इस भूमिका को प्यार मिला था, मगर क्या आप जानते हैं कि इस लोकप्रिय भूमिका को निभाने के लिए नवाजुद्दीन सिद्दीकी के पहले इमरान हाशमी को चुना गया था। चांद नवाब की भूमिका ने फिल्म बजरंगी भाईजान में जान डाली थी। ये पाकिस्तान के एक लोकल पत्रकार की भूमिका थी जो मुन्नी को माता पिता से मिलाने के लिए सलमान खान यानी बजरंगी भाईजान की खूब मदद करता है। हिंदुस्तान से लेकर पाकिस्तान तक खूब सराहा गया था। बताया जा रहा है कि चांद नवाब के रोल के लिए इमरान हाशमी ने हरी झंडी भी दिखा दी थी और साइन भी कर लिया था, मगर बाद में उन्होंने ये फिल्म छोड़ दी क्योंकि इमरान हाशमी को ये रोल छोटा लग रहा था। रेलवे स्टेशन पर रिपोर्टिंग करते हुए चांद नवाब का सीन काफ़ी वायरल हुआ था। आज भी उस सीन पर मीम्स बनते रहते हैं। नवाज वो किरदार निभाकर दुनिया भर में छा गए। रिपोर्ट्स के अनुसार कबीर खान द्वारा निर्देशित फिल्म बजरंगी भाईजान 90 करोड़ के बजट में बनी थी और इसने बजट से 10 गुना ज़्यादा कमाई की थी। वर्ल्ड वाइड बॉक्स ऑफिस पर फिल्म ने 922.17 करोड़ का कलेक्शन किया था। इसी के साथ ये फिल्म ब्लॉकबस्टर साबित होने के साथ साथ सलमान खान के करियर की अब तक की सबसे बड़ी फिल्म भी है। कई बार इस तरह के किरदार कलाकारों की काया पलट देते हैं। नवाज के करियर में चांद नवाब का किरदार उनकी चुनिंदा किरदारों में से एक रहेगा। श्रेष्ठ उत्तराखंड पर खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करें, बेल आइकन दबाएं और देखते रहें श्रेष्ठ उत्तराखंड।